बैगन का भरता बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। बैगन जो हमें खरीदना है, बैगन खरीदते वक्त ध्यान दें इसमें एक भी छेद ना हो, उठाने में ये काफ़ी हल्का हो, नहीं तो इसमें बीजे काफ़ी ज़्यादा होंगे। और दूसरा, इसको आप दबा कर देखें, अगर कहीं से सॉफ्ट हो बहुत ज़्यादा तो ना ख़रीदें। साथ ही हमने दो टमाटर लेने हैं, कुछ कली लहसुन, एक हरी मिर्च, दो प्याज और काफ़ी सारा धनिया। प्याज और धनिया को हमें आगे इस्तेमाल करना है तो इसे हम हटा लेंगे। प्याज को हमें बारीक बारीक काट लेना है। अभी जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हमें भूनना है, तो उससे पहले हम इनको रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले चाकू की हेल्प से जो बैगन है उसमें इस तरीके से चीरा लगा दें, यानी स्लिट्स लगा लें। और इन स्लिट्स को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका बैगन अंदर से गंदा तो नहीं है या फिर इसमें कीड़ा तो नहीं है। तो पूरे बैगन में करीब 3 से 4 हमें चीरे लगाने हैं। तो देखिए, ये बैंगन में चीरे लगाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अभी जो स्लिट्स हैं इसमें एक स्लिट के अंदर हम हरी मिर्च को स्टफ़ कर लेंगे, यानी हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च का डंठल यहाँ हटा सकते हैं। और जो बाकी के चीरे लगाए हैं, बाकी के स्लिट्स में एक एक दो दो पीस करके हमें जो ये लहसुन है उसे स्टफ़ कर लेना है। इससे होगा क्या, जब हम ये बैंगन भुनेंगे उसके साथ में लहसुन और हरी मिर्च भी भुन जाएगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट इस बैंगन को मिलेगा। और जो ये भरता बनेगा, ऑथेंटिक आपको एक सौंधी सौंधी महक वाला भरता बनेगा। तो ये बस बैगन हमारा रेडी है। और ये जो टमाटर हमने लिए हैं इसे भी आप बिल्कुल चेक कर लें, इस पर एक भी छेद ना हो, ये ज़्यादा मुलायम ना हो, थोड़े से टाइट टमाटर लें। अब जो बैगन और टमाटर है इन्हें हमें ऑयल से ग्रीस करना है। तो मैं यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले सकती हैं, लेकिन सरसों के तेल में बैगन के भरते का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अच्छे से इसको ऑयल कर लगा लिया है, साथ ही टमाटर को भी अच्छे से हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। तो ये रेडी है, तो चलिए इन्हें भून लेते हैं। बैगन भूनने के लिए हम गैस पर ही इस तरीके से एक जाली रख लेंगे। अगर आपके पास जाली ना हो तो कोई भी ऐसी जालीदार प्लेट आप ले सकते हैं जिस पर आप इसको रख के या डायरेक्ट भी आप इसे भून सकते हैं। तो बैगन और टमाटर हम रख देंगे, फ्लेम बीच बीच में आप बढ़ाते रहें, कम करते रहें और पलट पलट के अच्छे से इसे भून लें। इसमें करीब 8 से 10 मिनट का समय आपको लगेगा। अगर आपके पास चूल्हा हो तो चूल्हे पर भूनें, उसका स्वाद और भी अच्छा आता है। कि करीब 2 मिनट हुए हैं, बैगन अच्छे से कलर चेंज करने लगा है, तो बस इसे पलट पलट कर अच्छे से डार्क गहरा कलर आने तक, यानी ब्लैक होने तक हमें भून लेना है। ये देखिए, बैगन और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। अब ये जो बैंगन है इसे इसी जाली पे कुछ देर हम रहने देंगे, क्योंकि आप इसमें नोटिस करेंगे जब हम बैंगन भून लेते हैं तो उसमें इस तरीके से लिक्विड निकलने लगता है, यानी पानी निकलने लगता है। इस पानी को आप निकलने दें, बिकॉज जो बैंगन में एसिड होता है या फिर जो गैस वगैरह करता है वो इस वजह से होता है। अगर ये पानी आप निकाल कर फेंक देते हैं तो बैंगन आपको कभी भी बाधा नहीं करेगा। तो बैंगन हमने साइड में रख दिया है, टमाटर को हम छील लेते हैं और छीलने के बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो उसके ऊपर का जो हिस्सा है, यानी जो टोपी होती है, उसे कट कर लें और इस तरीके से बैंगन को हम काट लेंगे। इसमें जो सफेद या हरा वाला हिस्सा हो उसे भी आप निकाल दें और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। और बैंगन को भी करीब 3-4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना सारा लिक्विड इसमें से निकला है। अब एक चाकू की हेल्प से या फिर हाथ से, अभी बैंगन काफ़ी गर्म है तो चाकू की हेल्प से इस तरीके से हम इसे पील कर लेंगे। और इसमें जो ये लहसुन है और जो हरी मिर्च हमने स्टफ़ की थी उसे एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप छील लीजिएगा, ये बहुत ही आसानी से छिल जाता है। तो ये छिल चुका है, अब एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से आप कट करें ताकि आप इसको खोल कर देख पाएँ कि बाई चांस अगर ये गंदा हो या अंदर से कीड़ा वगैरह हो तो वो इस स्टेज पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। काफ़ी लोग बैंगन के भुरते में ये जो उसका टोपी होती है इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसे फेंक देते हैं। तो मैं इसे अलग कर देती हूँ। बाकी जो बचा हुआ बैंगन है और जो लहसुन है, हरी मिर्च है, उसे चाकू की हेल्प से इस तरीके से हम बिल्कुल मैश कर लेंगे, यानी इसका भुरता बना लेंगे। और अच्छे से इसको जितना हो सके हम यहीं पर ही मैश कर लेंगे। बाकी जो बचा खुचा होगा वो हम जब इसको तड़का लगाएंगे तब उसे मैश कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल को मैंने अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर लिया था, उसके बाद ठंडा होने के बाद इस्तेमाल किया है। सरसों का तेल हमेशा धुआं उठने तक गर्म करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर हम जो प्याज काट के रखा था वो प्याज हम इसमें डाल देंगे और प्याज को हल्का सुनहरा कलर होने तक भून लेंगे।
देखिए प्याज पे इस तरीके का सुनहरा कलर आ गया है, इससे ज़्यादा गहरा कलर हम इसे नहीं देंगे। अब जो टमाटर हमने कट करके रखा था वो टमाटर हम इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स ये जो बैंगन का भरता हम लोग बनाते हैं इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालती हूँ, इसको हम जितना सिंपल रखते हैं उतना ही टेस्टी बनता है, बिकॉज बैंगन का अपना एक फ्लेवर होता है भुना हुआ, वो फ्लेवर हमें किल नहीं करना है, तो बहुत ही कम मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। टमाटर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और नमक के साथ इसको कुछ देर पकने देंगे। टमाटर भुन गया है, अच्छे से तेल छोड़ दिया है, मसाले डाल देंगे। तो दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और चुटकी भर हल्दी, बस यही मसाले इसमें जाएंगे। मैं गरम मसाला भी नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला भी अच्छे से पक गया है, अच्छे से तेल इसने छोड़ दिया है। अब डाल देंगे जो हमारा बैंगन था जिसको हमने अच्छे से मैश करके रखा था वो डाल देंगे, और स्पैचुला के या लैडल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं चम्मच उसकी हेल्प से इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं हमें इसे अपने मसाले के साथ मिक्स भी करते जाना है और इस चम्मच यानी स्पैचुला की हेल्प से इसको मैश भी करते जाना है ताकि ये अच्छे से इसमें कंबाइन हो जाए। देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अभी 2-3 मिनट हम इसको कुक करने देंगे जब तक ये अच्छे से साइड्स में से तेल छोड़ना शुरू ना कर दे। बस तैयार है हमारा बैंगन का भरता, लास्ट में थोड़े से हरे धनिया से इसको गार्निश करें, और बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बना हुआ बिल्कुल परफेक्ट आपको ऑथेंटिक इसका फ्लेवर मिलेगा। तो एक बार इस बैंगन के भरते को इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं शर्त लगाती हूँ जिसको बैंगन खाना पसंद नहीं भी होगा वो भी इसको उंगलियाँ चाट चाट कर खाएगा। तो मेरे तरीके से आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा, रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।